नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ है और होता कुछ और है। कई बार उसकी कोई तार्किक वजह होती है, लेकिन कई बार वो हमारे लिए अबूझ पहेली बन जाती है। अगर इस पहेली को सुलझाने के लिए अध्यात्म की मदद ली जाए तो हमें पता चल सकता है कि आखिर हमारी असफलताओं की ठोस वजह क्या है। तो आइए चलते हैं आचार्य प्रमोद कुमार जी के पास, जो आज पितृदोष के बारे में जानकारी देंगे। हमारे मेट्रो टीवी चैनल के प्रिय दर्शकों एवं भक्तजनों, नमस्कार। पितृदोष किस जातक को है, कैसे व्यक्ति को, स्त्री अथवा पुरुष, लड़का अथवा लड़की को कैसे पितृदोष है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी? सर्वप्रथम उस व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा अधूरी रहने से उसे असफलता का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप निराशा हाथ लगती है। तो वो अर्धविक्षिप्त सा हो जाता है, यहाँ तक कि उसे पागलपन का भी शिकार होना पड़ता है और अपने जीवन के अंतिम अवस्था में उसे अपंगता तक का शिकार होना पड़ सकता है। ये जो हम बता रहे हैं, ये पितृदोष से ग्रसित जातकों के लक्षण हैं, स्त्री पुरुष अथवा लड़की अथवा लड़कियों के केस में। आपने अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा बहुतों को देखा होगा। इस टाइप के जो जातक होते हैं, इसका मतलब उन्हें समझिए कि पितृदोष से ग्रसित हैं। आप उन्हें कैसे जानेंगे? अपनी जन्मपत्री, एक तो हमने ये लक्षण बता दिया जितनी आपको, ये हैं मुख्य, ऐसे में आप कह सकते हैं कि पितृदोष है। और अगर इस टाइप का कोई लक्षण आपको महसूस होता है तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास, अगर आपकी जन्मपत्री बनी हुई है तो जन्मपत्री लेकर जाएं, अथवा उस व्यक्ति के प्रश्न काल के दौरान आप उससे प्रश्न करिए, विनम्रता पूर्वक उससे प्रश्न कीजिए। अगर ऐसा है तो आपके प्रश्न से ही वो जवाब आपको दे सकता है कि आप भी पितृदोष से ग्रसित हैं अथवा नहीं। एक्चुअली प्रत्येक जातक के जन्मपत्री के 9th हाउस अर्थात नवम भाव में जो ग्रह स्थित होता है अथवा ग्रह का मालिक होता है, उससे चंद्र राशि से ग्रसित हो अथवा चंद्र राशि राहु अथवा केतु से ग्रसित हो, तो वह जातक अर्थात स्त्री अथवा पुरुष, लड़का अथवा लड़की घोर रूप से पितृदोष का पात्र है। यदि राहु अथवा केतु के स्थान पर मंगल या शनि से ग्रह से ग्रसित है, 9th हाउस, ध्यान रखें 9th हाउस अथवा 9th हाउस नवम स्थान, कुंडली का नवम स्थान जो होता है उसका जो मालिक है या उस ग्रह का जो मालिक है, वो मंगल अथवा शनि से भी ग्रसित है, तब भी वो पितृदोष का मालिक हो जाएगा, अर्थात उसे पितृदोष है। हाँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि मंगल अथवा शनि से ग्रसित है 9th हाउस, तो इसे हम आंशिक पितृदोष कहते हैं, परंतु यदि 9th हाउस अथवा उपस्थित ग्रह का राजा कहीं पर राहु अथवा केतु से ग्रसित है तो पूर्णतः पितृदोष उसे लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सार्थकता, संपूर्णता एवं सफलता नहीं पा सकता, वो चाहे कुछ भी कर डाले। इसलिए बेहद अनिवार्य है प्रिय दर्शकों कि इसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पितृदोष का निवारण कर लीजिए।
बेहद सरल उपाय है जिसे आप स्वयं कर सकते हैं अथवा स्थापित ज्योतिषियों के द्वारा आप करवा सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप लोग नोट कर सकते हैं, एक सरसों तेल का दीपक लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए और दो जनेऊ लीजिए। आजकल आपको अपने घर के कहीं करीब में स्थापित मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर का चयन अवश्य करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जाइए पीपल देव, हिंदू अथवा सनातन धर्म के अनुसार पीपल के वृक्ष को वृक्ष देव कहा गया है, वहाँ पर जाइए, दो जनेऊ और एक सरसों तेल और काले तिल से भरा हुआ दीपक लेकर के, पहले दीपक को वहाँ पर जलाया नहीं, एक लोटे में जल ले लीजिए और वृक्ष देव को अर्पण करिए, जलम समर्पयामि, तीन बार कहते हुए जलम समर्पयामि, और बेहतर होगा उस जल में थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए, जलम समर्पयामि, तीसरी बार शेष जल को आप अर्पण कर दीजिए वृक्ष देव पर। तत्पश्चात आप दीपक को जलाइए, सात बार वृक्ष देव को इस तरह उवारिए ट्रायंगुलर वे में, जैसा कि हमने भी पहले भी बताया था, तीन बार अथवा सात बार ट्रायंगुलर वे में त्रिभुजाकार आकार में आप बनाइए, ऐसे ही उवारिए दीपक को, सामने अर्थात वृक्ष देव के समक्ष रखिए। अभी अर्पण बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही अर्पण करिए। तत्पश्चात दोनों जनेऊ को हाथ में लीजिए अलग अलग करते हुए, एक जनेऊ को वृक्षदेव तुभ्यम समर्पयामि। यदि कोई जातक इतनी भी संस्कृत बोलना नहीं जानता है, कोई बात नहीं, ईश्वर सभी विद्याओं को जानते हैं। आप कहिए हे वृक्षदेव, एक जनेऊ हाथ में लेते हुए, आपको एक जनेऊ हाथ में लेते हुए आपको यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ समर्पित है। इसी तरह से दूसरा जनेऊ हाथ में लीजिए, फिर कहिए हे वृक्षदेव, आपको अनेकों कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम अथवा कोटि प्रणाम, आप जो कह पाएं अथवा प्रणाम, बहुत बेहतर होगा आप बोलें हे वृक्षदेव आपको अनंत कोटि प्रणाम। तत्पश्चात आप श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सात बार बोलने के बाद बोलिए यज्ञोपवीतम समर्पयामि, किसको? ओम नमो भगवते वासुदेव, अर्थात श्री विष्णु भगवान को आपने दूसरा जनेऊ अर्पण किया है या करना है। पुनः दीपक उठाइए और एक मंत्र बोलिए, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम महेश्वरा सर्पत्रम सर्वदेवतानाम वृक्षदेव नमस्तुभ्यम। इस तरह कहते हुए आप पुनः दीपक तीन अथवा सात बार उवारिए। अभी दीपक अर्पण न करें, आप जो कुछ पुष्प फल और एक टाइप का कम से कम एक प्रकार का मिष्ठान अवश्य ले जाएं अर्पण करने के लिए। उस मिष्ठान को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लें। इस तरह से आपको उस वृक्ष देव के 108 परिक्रमा करना है, परिक्रमा करना है अर्थात जिस पॉइंट से, जिस स्थान से आप प्रारंभ करते हैं परिक्रमा करना, जहां से जा रहे हैं वहीं आकर के रुकें, एक सेकंड के लिए चाहे रुकें, फिर से बोलिए अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। और पुनः यही मंत्र जो अभी हमने बताया है वही आप लोग एक बार बोलें, चाहे एक बार फिर नोट कर पाएं, जो भक्त जन ना नोट कर पाए हों वो नोट कर लें। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम महेश्वरः
सर्वपत्रम सर्वदेवतानां वृक्षदेव नमस्तुभ्यं। पुनः आगे बढ़िए, दूसरी परिक्रमा करिए, इस तरह से तीसरी परिक्रमा पूर्ण कीजिए, 108 परिक्रमा तक करिए, लास्ट में आप दीपक को वृक्षदेव और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए दीपम समर्पयामि। अवश्य याद रखें, तेल का दीपक होना चाहिए, देसी घी का नहीं। कर दीजिए अपनी मनोकामना उनके सामने, एप्लीकेशन के रूप में कह दीजिए, अर्थात उनसे आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। विश्वास कीजिए प्रभु दया निधान हैं, उनसे तो मांगने का ढंग आना चाहिए। पूर्ण समर्पित होकर श्रद्धा भाव से आप पूजा करिए, मांगिए, प्रभु आपको अवश्य देंगे। आप लोग दूसरा उपाय भी जो और भी इजी है वो करना चाहें कर लीजिए, परंतु ये प्रथम उपाय जो हमने बताया है अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली और सफलतादायी है। इसके करने से आप शीघ्र सफल होंगे, पितृदोष से आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी। विश्वास कीजिए ईश्वर पर। प्रिय दर्शकों, हम आपको पितृदोष के निवारण का द्वितीय उपाय बताने जा रहे हैं। दूसरा उपाय है शनिवार के दिन, भले वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम क्यों ना हो जाए, आप दिन में नहीं फ्री होते हैं, रात में चले जाएं। कहीं पर भी किसी तालाब में, ये बेहतर होगा ध्यान रखें, किसी मालिकाना हक वाले तालाब में नहीं, जो लावारिस तालाब हो, ऐसे तालाब में आप जाएं। सबसे पहले चावल के आटे का देसी घी में लड्डू बना लीजिए छोटे छोटे, जाइए मछलियों को खिलाइए। हम कह रहे हैं लावारिस तालाब में ऐसी मछलियों को खिलाइए। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको करेंगे ये फल आपको जल्दी प्राप्त होगा। अथवा कौओं को यही चावल के आटे का, देसी घी होना चाहिए, वो भी गाय का, लड्डू बना लीजिए छोटे छोटे और कौओं को खिलाइए। प्रत्येक शनिवार को आप करिए, 7 शनिवार को आप करिए, आपको प्रभु इसका फल अवश्य प्रदान करेंगे, ऐसा हमें अपने प्रभु पर पूर्णतः विश्वास है। ईश्वर आपकी कामना को पूर्ण करें, ईश्वर आपको सफलता दें, आपके जीवन को सफल बनाएं। ईश्वर से हमारी यही करबद्ध प्रार्थना है। एक बार पुनः मेट्रो टीवी चैनल के प्रिय दर्शकों एवं भक्तगणों को नमस्कार। पितृदोष के बारे में जानकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार असफलताओं के तार अध्यात्म से जुड़े होते हैं। आचार्य जी के मुताबिक अगर हम पितृदोष का उपाय कर ले तो हो सकता है कि हमारी मुश्किलें काफी हद तक आसान हो जाए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।